नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएससी एग्जाम वॉरियर पर। आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया 2019 ग्रुप ए बी ई और एफ का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया था और उसकी आपको शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की यानी पीईटी की एडमिट कार्ड भी प्रोवाइड कर दिए गए थे। पीईटी के लिए जो एडमिट कार्ड आए थे उसका वेन्यू आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। वेन्यू चेक करने के बाद आपको ये पता चल गया होगा आपका फिजिकल कहाँ होने वाला है, आपका फिजिकल ग्राउंड कैसा है, जिसको आप गूगल मैप पर चेक कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से कि आपका फिजिकल ग्राउंड कितना बड़ा है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं आपका फिजिकल किस तरीके से होगा। तो ग्रुप सी और ग्रुप डी की तरफ चलते हैं। क्या है ग्रुप सी और जो रिजल्ट है ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए, कैंडिडेट आप लोगों को बता दें आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द अनाउंस किया जा सकता है, कभी भी अनाउंस किया जा सकता है। आपके रिजल्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रतिक्रियाएं चल रही हैं क्योंकि लगातार आरपीएफ कांस्टेबल साइड पे दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ अपडेट किया ही जा रहा है। ग्रुप ई की सेकेंड लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई, ग्रुप एफ का आपको एडमिट कार्ड, ग्रुप ए के आपको एडमिट कार्ड भी प्रोवाइड कर दिए गए। आप कॉल लेटर के ऑप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं कि किसी कैंडिडेट के एडमिट कार्ड या कॉल लेटर आ चुके हैं, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों का कॉल लेटर कब तक प्रोवाइड किया जा सकता है, आप लोगों का रिजल्ट कब तक आ सकता है। आप लोगों को बता दें ग्रुप ए का कॉल लेटर आना सिर्फ बाकी रह रहा है, ग्रुप ए के जैसे ही कॉल लेटर आते हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी का रिजल्ट अपडेट कर दिया जाएगा। ग्रुप ए के कॉल लेटर जो एक या दो दिन में आ जाएंगे उसी हिसाब से ग्रुप सी और ग्रुप डी का रिजल्ट भी 5 से 7 दिनों में अपडेट कर दिया जाएगा क्योंकि आपको उसका फिजिकल ग्रुप ए बी और एफ के साथ ही आपको ग्रुप और सी और ग्रुप डी का फिजिकल होने वाला है क्योंकि इसका फिजिकल की प्रोसीजर कोई अलग तरीके से नहीं चल रहा है बल्कि फिजिकल एक ही वे से हो रहा है कि फिजिकल ग्रुप ए बी और एफ का एक साथ फिजिकल हो रहा है ना कि अलग अलग फिजिकल हो रहा है। तो आपके कॉल लेटर साथ में आएंगे, 5 से 7 दिन में आपका रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिस भी कैंडिडेट के अगर 80 मार्क्स से ऊपर बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में तो वो अपने सिलेक्शंस पक्का समझे और ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए अपने प्रिपरेशन की तैयारी कर ले। अगर वो कैंडिडेट कहीं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो आपको लोगों को बता दूं आप 80 ही मान के चलिएगा अपना सिलेक्शन प्रोसीजर क्योंकि ओबीसी कैंडिडेट के लिए भी कट ऑफ सेम जा रही है या फिर अपर जा रही है ग्रुप यूआर कैंडिडेट से। और आप अगर एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं एससी कैंडिडेट के लिए 75 और एसटी कैंडिडेट के लिए भी 73 से 74 नंबर तक आप अपना सिलेक्शन समझिएगा और अपनी प्रिपरेशन की तैयारी कीजिएगा। जिस हिसाब से वैकेंसियां हैं आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है इतने नंबरों पर। नॉर्मलाइजेशन में अपने मार्क्स अगर आप 70 भी बन रहे हैं तो आप लोग अपने सिलेक्शन की प्रक्रिया तैयारी कर दीजिएगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन वे से आपके नंबर 80 to 90 भी हो सकते हैं, 10 से 15 नंबर भी बढ़ सकते हैं आपके नॉर्मलाइजेशन में। और आपके इसी समय मार्क्स आपके 70 भी बन रहे हैं तो आप अपने सिलेक्शन की तैयारी कीजिए, क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को यूज करके, आपकी टिप पे आपके शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का असर इतना हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ऐसा हम आशा करते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, आपकी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया बहुत ही बेहतर हो। और देखिए कैंडिडेट आपका जो आप अगर फीमेल्स कैंडिडेट हैं आप लोग बता दें कि आपकी जो कट ऑफ पे ज़्यादा नहीं आएगी, अगर आपके 60 मार्क्स भी बन रहे हैं तो आप अपने सिलेक्शन की तैयारी पक्का समझें और अपने फिजिकल की तैयारी कर लें फॉर यूआर कैंडिडेट। एंड ओबीसी कैंडिडेट अगर आपके मार्क्स 55 भी बन रहे हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कर लें, मैं फीमेल्स कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ यूआर ग्रुप सी और ग्रुप डी में। और आपके मार्क 50 बन रहे हैं तो एससी और एसटी में आपका सिलेक्शन हो सकता है फीमेल्स कैंडिडेट के लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंदर आरपीएफ कांस्टेबल में। तो बस इतनी सी वीडियो थी, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।